ये नहीं कि इनकम बढ़ रही है तो चलो गाड़ी भी अच्छी ले लो, फोन भी अच्छा ले लो, ये भी अच्छा ले लो। वो सबसे सिंपल तरीका है जिसमें जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास की मेंटालिटी वाले लोग होते हैं अपना पैसा जल्दी से वेस्ट कर देते हैं। नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है? आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा दो चीजें जो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अमीर बनने के लिए उनकी लाइफ में, ठीक है। और अमीर यहां पे कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क के मुताबिक नहीं है कि 1 करोड़ होना चाहिए या 2 करोड़ होना चाहिए। अमीर मतलब हम जो पहले थे उससे हम ऊपर आ गए, तो हमारी वेल्थ इंक्रीज करिए और हमारी बैंक अकाउंट और हमारे एसेट्स और हमारा जो पूल ऑफ मनी है वो इंक्रीज किया है। और उसके लिए मैं तुम्हारे साथ दो चीजें शेयर करूंगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है समझ लो, तुम में से काफी सारे जो लोग हो, काफी सारे जो भाई हैं हमारे, मतलब ब्रदरहुड के, तुम लोग ने फ्री मैन के रास्ते पे चलना शुरू किया जब तुम मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाई कर रहे थे या यंग थे, और अब तुम शायद कमाना शुरू कर रहे हो, ठीक है, चाहे बिजनेस के थ्रू, जॉब के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू, जैसे भी तुम अभी या प्रिटी सून कमाना शुरू कर दोगे। और फिर क्या होता है, बैंक अकाउंट में नंबर ऊपर जाते हैं, है ना, पैसा बढ़ता है, तो सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है कि अभी के अभी कुछ खरीदते हैं जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, और वो हो सकता है एक आईफोन, हो सकता है एक बाइक या गाड़ी, कोई चीज जिसकी काफी टाइम से तुम्हें डिजायर थी, ठीक है। और मैं तुम लोगों के साथ एक दो चीजें शेयर करने वाला हूं जिससे मैं चाहता हूं अगली बार पैसा खर्चने के पहले ऑन अ बिग थिंग तुम सोचोगे, ठीक है। पहली चीज है जो मैंने जेजी नाम के रैपर से सुनी थी, और मैं हिप हॉप म्यूजिक के अंदर बहुत सालों से हूँ, मतलब जिससे पहले वो प्रॉब्ली इंडिया में आया या पॉपुलर हुआ मैं तब से सुन रहा हूँ, स्कूल से, मतलब जब मैं 9th-10th में पहली बार जब फोन्स आए थे इंडिया में तब से मैं सुन रहा हूँ। और मैंने उनसे एक चीज क्या सीखी, उन्होंने बोला कि अगर तुम किसी चीज को 2 बार नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब है तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा आइडिया ऑफ अफोर्ड होता है कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में 70 या 80 डॉलर आ गए या रुपए आ गए और हमने कुछ 50 रुपए का खरीदना है तो हम खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारा काफी टाइम से मन था वो खरीदने का और फाइनली हमने कमाना शुरू कर दिया तो अभी खरीद लेते हैं, फिर और पैसा आ जाएगा इनकम में और फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। जेजी कहता है कि कम से कम यू शुड बी एबल टू अफोर्ड इट ट्वाइस, मतलब अगर तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में 100 डॉलर या 100 रुपए हैं तो तुम 50 रुपए का कुछ खरीदने का सोच सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि वैसे भी नहीं सोचना चाहिए, मैं कहता हूं कि वी टेक इट अप हायर अ नॉच, मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है और अगर तुमने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स या उस पैसे को किसी और तरीके से यूज नहीं किया विच डेवलप्स मोर मनी फॉर यू, और ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी फ्यूचर में बात कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में डालो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट पैसे से पैसा कैसे जनरेट करना है, हाउ टू जनरेट मोर मनी फ्रॉम मनी। लेकिन मैं कहता हूं कि 50 रुपए का भी कुछ खरीदने के लायक कम से कम 400 रुपए होने चाहिए, ठीक है, अगर वो बड़ा परचेज है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देर इज मतलब हमारे अंदर वो डिजायर जो है, अगर हम उसको थोड़ी देर भी होल्ड कर सकते हैं और अगर हम पैसे को सही तरीके से यूज करने के बारे में सीख सकते हैं, मैं कोई फाइनेंशियल गुरु नहीं हूं, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये थोड़े बेसिक्स हैं ऑफ स्पेंडिंग जो मैं चाहता हूं तुम लोगों के साथ शेयर करना, ताकि तुम लोग आगे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा खर्चा करने के पहले सोचोगे एक बार। तो ये तो पहली चीज थी जो मैं बताना चाहता था। दूसरी जो चीज थी वो है द क्विकेस्ट वे टू इंक्रीज योर वेल्थ, सबसे जल्दी तरीका अपना नेटवर्थ या अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए पैसे के मामले में इज कि तुम अपने इनकम को इंक्रीज करने पे फोकस करो, लेकिन जो तुम्हारा लाइफस्टाइल और एक्सपेंसेस है वो सेम रहे, या अगर बढ़े भी तो बहुत ही हल्के बढ़े, लेकिन जो तुम्हारी इनकम है तुम्हारा फोकस होना चाहिए उसको बढ़ाने में। ये नहीं कि इनकम बढ़ रही है तो चलो गाड़ी भी अच्छी ले लो, फोन भी अच्छा ले लो, ये भी अच्छा ले लो। वो सबसे सिंपल तरीका है जिसमें जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास की मेंटालिटी वाले लोग होते हैं अपना पैसा जल्दी से वेस्ट कर देते हैं, तो वहां से एलिवेट करना खुद को इनटू अ हायर लेवल ऑफ सोसाइटी पैसे के मामले में, उसका रास्ता यही है अगर तुम इनकम बढ़ाने में फोकस करो और अपने लाइफस्टाइल को सिमिलर रखो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा होता रहेगा उतना ज्यादा तुम उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जैसे मैंने कहा इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं।
तो ये दो सिंपल चीजें थे जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। एक कि इफ यू कांट अफोर्ड इट ट्वाइस यू कैन नॉट बाय इट, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर 100 रुपए आ गए तो 50 रुपए का कुछ खरीद लिया, बल्कि 100 से भी मैं तो कहता हूं, जो जैसे मैंने कहा जेजी की लाइन के ऊपर ऐड करते हुए कि और ज्यादा होने चाहिए। आफ्टर यू हैव पुट योर मनी इनटू कुछ सेविंग्स में हो गया, कुछ रेगुलर स्पेंडिंग में हो गया, फिर जाके थोड़े एक्स्ट्रा फंड्स में तब जाके खरीदो जो तुम्हें चाहिए अगर तुम्हारा काम चल रहा है। हाँ, अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा एंड बाइंग अ न्यू लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल विल हेल्प यू अर्न मोर इनकम, क्योंकि तुम उससे कमा सकोगे अपने स्किल्स वगैरह दिखा के, हाँ दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। बट जो मजे के खर्चे होते हैं या इच्छा के खर्चे होते हैं, मैं उनके बारे में तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पहली चीज याद रखना। और दूसरी चीज, द क्विकेस्ट वे इज इनकम को इंक्रीज करो, लेकिन एक्सपेंसेस लाइफस्टाइल वगैरह को सिमिलर रखो। अगर इस वीडियो ने हेल्प किया शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एक लाइक ठोको, और नीचे कॉमेंट से जो भी क्वेश्चन है पूछो। अभी के लिए आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू।